गाइस एंड वेलकम टू सोनी स्वर्ल्ड। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी पलकों को और आईब्रो को मोटा घना कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड बहुत सारे लोग होते हैं उनकी आईब्रो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, घनी नहीं होती है, उसमें बहुत बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं होता है। पहले मेरी भी आईब्रो बहुत ही ज़्यादा पतली थी और बहुत ही ज़्यादा उसमें ग्रोथ नहीं थी, बहुत ज़्यादा हल्की थी। तो मैंने ये रेमेडी ट्राई की थी, तो आप देख सकते हैं मेरी जो आईब्रो है पहले से बहुत ही ज़्यादा घनी हो चुकी है। अगर मैं आफ्टर और बिफोर और आफ्टर से कंपेरिजन करूँ तो मैंने यही लगाया था 1 month तक। तो मैं आज आपके साथ वही रेमेडी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी आईब्रो को और अपनी आईलैशेस को मोटा घना कैसे किया था। तो फ्रेंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड सबसे पहले हमको चाहिए एलोवेरा जेल। यहाँ पे हम डालेंगे 1 से 2 tablespoons एलोवेरा जेल और हम इसमें डालेंगे कैस्टर ऑयल 1 teaspoon। और फ्रेंड हम इसमें डालेंगे लास्ट में 1 teaspoon विटामिन ई ऑयल। आप इसकी जगह विटामिन ई की कैप्सूल या आलमंड ऑयल, बादाम का तेल भी डाल सकते हैं। सारे चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि हमको एक सीरम कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। फ्रेंड ये हमारे लाइट ग्रीन कलर का बढ़िया सा सीरम तैयार है और आप इस सीरम को 2 से 3 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। हम कोई पुराना मस्कारा ब्रश ले लेंगे और अपने आई लैशेस पे और आईब्रो पे बहुत ही अच्छे से लगाएंगे। और अगर आपके पास पुराना कोई मस्कारा ब्रश नहीं है तो आप अपने रिंग फिंगर से भी अच्छे से मसाज करेंगे। मस्कारा ब्रश से लगाने के बाद हम इसे 5 मिनट तक अच्छे से रिंग फिंगर से मसाज करेंगे, जिससे कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा और जो हमारी आईब्रो और आई लैशेस की ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी फास्ट होगी। तो 5 मिनट तक आपको ऐसे ही मसाज करना है। और अब मैं इसको अपने आई लैशेस पे यानी कि पलकों पे लगा रही हूँ। सेम आपको अपने रिंग फिंगर से अच्छे से मसाज करनी है। मैंने लगा लिया है और इसको आपको सो जाना है लगा के। सो फ्रेंड आई होप मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी कि आईब्रो को और पलकों को मोटा घना कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आईब्रो को मोटा घना, आईब्रो या पलकों को मोटा घना करने के लिए। और साथ ही साथ मैंने इसमें डाला था वाइटामिन ई। अगर आपके पास कैप्सूल है तो आप कैप्सूल 1 से 2 डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे डाला था 1 tablespoon एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो फ्रेश एलोवेरा जेल, पहले जेल एक्सट्रैक्ट करें फिर उसको मिक्सी में फेंट लें ताकि एक जेल तरह से बन जाए, उसमें किसी तरीके की गुठलियाँ या स्मूथ जेल मिल जाए आपको, और उसमें फिर ये ऑयल्स और आप मिक्स करें, आपका एक सीरम टाइप का बन जाएगा। आप चाहे तो पुराना कोई भी आपके पास मस्कारा ब्रश है तो आप वो उससे लगा सकते हैं, वरना हाथ से भी फिंगर से भी लगा सकते हैं। फ्रेंड आप रात को इसे 5 मिनट तक मसाज करके लगाएं। अगर आपके बाल में स्प्लिट एंड्स हैं आप बालों में भी सीरम की तरह लगा सकते हैं। आफ्टर जो आप हेयर वॉश करते हैं उसके बाद आप ये सीरम की तरह लगा सकते हैं। आपके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हैं, रफ हैं, फ्रिजी हैं, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो फ्रेंड आई होप मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी कि आईब्रो और आई लैशेज को पलकों को मोटा घना और मजबूत कैसे कर सकते हैं। सो जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई होम रेमेडी, नए DIY या नए किसी स्किन केयर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।